News 18, India. आगे की कार्रवाई करेगी। हम तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं कि टीम जो है वो अंदर जा चुकी है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वो सवाल भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो सवाल अरविंद केजरीवाल या आतिशी जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीद रही है, लेकिन ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। कुछ स्टाफ के मेंबर्स हमें सरकारी आवास में नजर आ रहे हैं, एसीपी अंदर जा चुके हैं, खुद नोटिस लेकर आए हैं। कल भी हमने देखा, अब ये तीन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। 9:55 पर पुलिस यहां पर पहुंची है, बकायदा नोटिस लेकर यहां पर आई है। आतिशी के घर पर फिलहाल क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो मौजूद है, एसीपी खुद लेकर आए हैं। अब यहां पर नोटिस किसको दिया जाएगा, कौन रिसीव करेगा, ये अब तक सवाल बना हुआ है, क्योंकि कल भी हमने देखा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है 5 घंटे का, और स्टाफ ने रिसीव किया अरविंद केजरीवाल के। आज क्योंकि ये भी जानकारी जिस तरीके से आनंद दे रहे थे कि आतिशी पंजाब गई हुई थी, लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि वो वापस लौट आई हैं, अब सरकारी आवास में है, निजी आवास पर है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आनंद, अगर सरकारी आवास पे आतिशी नहीं मिलती है तो क्या उनके निजी आवास पर भी जाया जा सकता है नोटिस देने के लिए, और अगर वो रिसीव नहीं करती है तो फिर क्या होगा आगे? देखिए, दिल्ली पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि उनके सरकारी आवास पे ही जो है उन्हें सर्व किया जाए, क्योंकि सरकारी आवास पे ही अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके ऑफिस को नोटिस जो है वो रिसीव कराया गया था। तो दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि जैसे ही आतिशी यहां पर पहुंचेंगी उन्हें नोटिस दिया जाएगा। अगर वो नोटिस खुद नहीं लेती हैं तो फिर देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की टीम क्या यहां पर मौजूद रहेगी या उनके दफ्तर को नोटिस। जी बिल्कुल आनंद, और देखिए सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि क्या आतिशी की तरफ से आज नोटिस रिसीव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस नोटिस में जो है वो तमाम सबूतों की बात की गई है। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि हाँ हमारे पास सबूत है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। आनंद लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या जानकारी, देखिए अंदर की तस्वीरें लगातार आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अंदर टीम जो है वो पहुंची हुई है, लेकिन क्या कल की तरह ही वो तस्वीर हमें देखने को मिलेगी जब 5 घंटे तक जो है वो टीम अंदर मौजूद थी? जी देखिए बिल्कुल अनुपमा, एक बार तस्वीरों के साथ मैं फिर आपको बताता हूं कि देखिए ये आतिशी का सरकारी आवास है, AB 17 मथुरा रोड। ये पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का सरकारी आवास होता था, लेकिन अब जो आतिशी है जिनके पास कई महत्वपूर्ण मंत्रालय आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ से सरकारी कामकाज देखती है, आम आदमी पार्टी का और केंद्र का कैबिनेट मिनिस्टर है वो। और यहाँ पर जो ACP पंकज अरोड़ा है वो 10 बजे तय समय पर, जिस तरह से कल जानकारी मिली थी, अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच गए हैं। जो आतिशी के घर का जो रिसेप्शन है वहां पर दिल्ली पुलिस के जो 3 अधिकारी हैं वो लगातार यहां पर बैठे हुए हैं। ये जो 2 गाड़ियां आप देख रहे हैं अनुपमा, इन गाड़ी से ही दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारी आए थे, और यही गाड़ी से कल भी हमने देखा था कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ACP पंकज अरोड़ा अपने अधिकारियों के साथ 5 घंटे तक CM हाउस के बाहर खड़े रहे। उनकी लगातार कोशिश थी कि मुख्यमंत्री खुद नोटिस को रिसीव कर ले, लेकिन जब मुख्यमंत्री से मना कर दिया गया को जो है वो नोटिस जो है वो रिसीव कराया गया है, जिसमें बकायदा इस बात का जिक्र है कि 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो सवाल उनसे पूछे गए उसके जवाब दे, क्योंकि बेहद ही गंभीर जो है वो ने लगाए हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी के खरीद करने की कोशिश कर रहे हैं, खरीदने की। बिल्कुल आनंद, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने सवाल पूछे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से, उतने ही आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं या आतिशी जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भाग रहे हैं। अब आपने सवाल उठाए हैं और जवाब जब मांगा जा रहा है तो आप जवाबों से भाग क्यों रहे हैं, ये सवाल बनता है? देखिए बिल्कुल, दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि जब इस तरह के आरोप आपने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अगर आप दिल्ली की जनता को ये बता रहे हैं कि उनके जो चुनी हुई सरकार है आम आदमी पार्टी की फुल मेजोरिटी की सरकार है, उसके कुछ विधायकों को बीजेपी के लोग जो है वो खरीदना चाहते हैं, खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, 25 करोड़ का अगर जिक्र किया गया है, तो ये आरोप क्या बेबुनियाद है? और अगर इनमें सच्चाई है, अगर ये बेहद ही आरोप बहुत ही संवेदन जी ठीक है आनंद, लौट रहे आपके पास, आपकी आवाज जो है वो ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन देखिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं।
ये पूरे मामले की शुरुआत आम आदमी पार्टी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई है जहां पर ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये कोशिश कर रही है कि हमारे विधायकों को खरीदा जा सके, और इतना ही नहीं रकम की बात भी की गई। बिल्कुल आनंद, देखिए लगातार हम सवाल तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आम आदमी पार्टी भाग क्यों रही है? सबूत है आपके पास, आप दीजिए ना। देखिए बिल्कुल, दिल्ली पुलिस भी यही चाहती है, बीजेपी के जो नेता थे जिन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मुलाकात की थी कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में सबूत दे और दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच करे। क्राइम ब्रांच एक काफी प्रोफेशनल यूनिट है दिल्ली पुलिस की, और वो इस तरह के मामलों की जांच पहले भी कर चुकी है, इसलिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को ये मामला सौंपा। क्राइम ब्रांच अभी शुरुआत में नोटिस दे रही है, नोटिस के जवाब अगर उन्हें तय समय पर मिल जाते हैं तो दिल्ली पुलिस उस नोटिस के जो जवाब है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। अगर मुख्यमंत्री हो या आतिशी हो वो इस नोटिस का जवाब नहीं देंगी तो एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी है वो दोनों ही महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए जो नेता है चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे आतिशी हो उन्हें एक बार फिर से नोटिस सर्व करेगी और उनसे जवाब जानना चाहेगी। अगर उन जवाबों में कोई गंभीरता पाई गई और ये लगा कि यहाँ बीजेपी के कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेता उनके विधायक को खरीदने की कोशिश की थी, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक शिगुफा छोड़ा गया कि बीजेपी जो है हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की जो खामोशी है, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, तमाम नेताओं की बात करें, जो ये खामोशी है वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहे हैं कि देखिए दाल में कुछ तो काला है। देखिए बिल्कुल अनुपमा, अगर कल जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा चला उससे लगता है कि क्या वाकई में जो आरोप लगाए गए थे उनमें गंभीरता है या नहीं है। दिल्ली पुलिस भी और से बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें आतिशी ने कैंप ऑफिस को दिशा निर्देश दे दिए हैं, अधिकारियों को नोटिस रिसीव करने के निर्देश दिए हैं। देखिए कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के स्टाफ ने ये नोटिस लिया था, अब सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर है, आतिशी ने अपने ऑफिस को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि तमाम जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं नोटिस लेकर वो अपना जो नोटिस है जो आतिशी को देना था अब वो रिसीव कर सकते हैं। जावेद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जावेद क्या सूत्र बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के, आतिशी भी रिसीव नहीं करेंगी नोटिस? देखिए मिनिस्टर, आतिशी के ऑफिस के सोर्सेज से ये खबर मिल रही है कि उन्होंने अपने कैंप ऑफिस को ये निर्देश दिया है कि वो नोटिस रिसीव करें, ये साफ तौर पर कहा है कि कैंप अधिकारी जो है वो नोटिस रिसीव करेंगे। लेकिन इसमें पेच ये है कि कल भी हमने देखा कि जब क्राइम ब्रांच की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी तो वहां पर भी जो टकरार थी वो इसी बात को लेकर थी कि वो मुख्यमंत्री को देना चाहते थे, लेकिन उनकी तरफ से ये दलील दी गई कि किस नियम में लिखा गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि आप अधिकारियों को उनके ऑफिस में क्यों नहीं दे सकते हैं। और अब क्राइम ब्रांच की टीम मथुरा रोड AB17 जो कि सरकारी आवास है आतिशी का, वहां पर पहुंची है और आतिशी की तरफ से निर्देश दिया गया है अपने कैंप ऑफिस को कि वो नोटिस रिसीव करे। अब ये देखना होगा कि क्राइम ब्रांच क्या उनके ऑफिस को नोटिस देती है या फिर कल की तरह वो दलील रखेगी कि नहीं हम आतिशी को ही नोटिस रिसीव कराएंगे। तो इस बात पर अभी क्राइम ब्रांच का रुख जानना बाकी है, लेकिन जो मिनिस्टर आतिशी हैं उनके जो सोर्सेज है यही खबर आ रही है कि उन्होंने अपने ऑफिस को निर्देश दिए कि वो नोटिस रिसीव कर ले। जी बिल्कुल जावेद, और क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि नोटिस रिसीव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ भी हमने देखा कि 5 घंटे के इंतजार के बाद हुआ यही कि जो टीम वहां पर मौजूद थी उनको नोटिस दिया गया। लेकिन जावेद एक और बात समझाएगा कि क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा हो कि अरविंद का जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए भी इंतजार जो है टीम करती हुई नजर आई थी कि आतिशी को भी ये मैसेज भेजा जाए कि आप जो है आ जाइए हम इंतजार कर रहे हैं आपका। देखिए कल आतिशी चंडीगढ़ में थी, उनको आज सुबह आना था, ये खबर आई थी। फिलहाल जो यहाँ पर मौजूद गार्ड थे उन्होंने क्राइम ब्रांच की टीम को ये बताया कि आतिशी यहाँ पर मौजूद नहीं है, और अब ये सोर्सेज से भी ये खबर आ रही है कि आतिशी ने अपने कैंप ऑफिस को निर्देश दिए हैं कि वो नोटिस रिसीव करें। लेकिन अभी जो क्राइम ब्रांच की टीम है, हम अगर तस्वीरों में दिखाना चाहें तो वो अभी भी अंदर ही मौजूद है। अब ये देखना होगा कि क्या कल की तरह क्राइम ब्रांच की टीम वेट करेगी। अब चूंकि आतिशी के दफ्तर से कहा गया है कि नोटिस जो है उनके कैंप ऑफिस में जो अधिकारी हैं वो रिसीव कर लेंगे, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम कल
भी सीएम आवास पर इस बात पर वहां पर इंतजार करती रही कि वो मुख्यमंत्री को देना चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके नेताओं की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया कि ऐसा कौन सा नियम है कि आप मुख्यमंत्री को हैंडओवर करना चाहते हैं। बहुत तरह के नोटिस आते रहते हैं, लिहाजा उन्हीं की तरह आप अधिकारी को नोटिस दे दें। लेकिन अब आतिशी के मामले में क्या होगा ये देखना होगा। बिल्कुल जावेद, देखिए ये क्लैरिटी है कि कौन सा अधिकारी, कौन से स्टाफ का मेंबर जो है ये रिसीव करेगा, कोई नाम कोई बताया हो आतिशी की तरफ से कि ये रिसीव करने आएंगे। आनंद, आपसे मैं जानकारी चाहती हूँ, बताइए, क्योंकि आप देखिए आप सूत्रों की तरफ से यही कहा जा रहा है, आतिशी ने कह दिया कि किसी अधिकारी को कि आप मेरा नोटिस ले लीजिए। कोई जानकारी मिल पा रही है, कोई हलचल आपको नजर आ रही, कोई अधिकारी बाहर निकला हो, कोई बातचीत हो पा रही हो एसीपी के साथ उनकी, कौन है, कौन से अधिकारी है जो नोटिस लेंगे? देखिए मोनिका, जो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारी इस वक्त आतिशी के सरकारी आवास पर मौजूद हैं, जिस तरह से कि आम आदमी पार्टी की तरफ से खबर आई है आतिशी की तरफ से कि उनका दफ्तर नोटिस को रिसीव करेगा, अभी जो दिल्ली पुलिस के एसीपी हैं वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को इस बात की जानकारी देंगे जब उनको जानकारी मिलेगी कि खुद आतिशी जो है वो नोटिस रिसीव नहीं करेंगी। और जैसा कि जो सीनियर अधिकारी इंस्ट्रक्शन देंगे उसके आधार पर ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर कोरा एक्शन लेगी। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी लगातार मौजूद हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि आतिशी इस सरकारी आवास पर जब आएंगी तो उनसे बात की जाए और उन्हें नोटिस जो है वो खुद जो है वो रिसीव कराया जाए। लेकिन अगर वो नोटिस रिसीव करने से हालांकि मना कर दिया, जैसे कि जावेद बता रहा है उन्होंने कि उनका स्टाफ ही नोटिस रिसीव करेगा, तो ऐसे में देखना होगा कि आतिशी अगर यहाँ पहुंचती है तो उसके बाद यहाँ पर किस तरह का जो है वो माहौल नजर आएगा और क्या क्राइम ब्रांच के अधिकारी उनका इंतजार यहाँ पर करेंगे या नोटिस उनके स्टाफ को देकर यहाँ से निकल जाएंगे। बिल्कुल आनंद, एक और बात यहाँ पर समझेगा, क्योंकि आम तौर पर हमने यही देखा है कि अगर जिसके नाम पर नोटिस होता है उसी को दिया जाता है ताकि रिसीविंग जो है वो लिखी जा सके। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी में देखे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी हो, आखिर ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी है कि अरविंद केजरीवाल खुद से या आतिशी जो है वो नोटिस रिसीव नहीं करना चाह रहे? देखिए यही तो सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी जानना चाहती है कि जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, वो कितने गंभीर हैं, उसकी जांच में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और आतिशी जो है वो सहयोग करें। बीजेपी भी यही चाहती है क्योंकि बीजेपी के ऊपर सीधे सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख करना चाहती है। 25 करोड़ का जिक्र किया आतिशी ने, एक ऑडियो क्लिप का जिक्र किया, तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जानना चाहती है कि वो ऑडियो क्लिप क्या है, आखिर ऐसे कौन से वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदना चाहते हैं, उनकी जानकारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दे ताकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच न्याय संगत कानून संगत इसमें कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह की जानकारी नहीं उपलब्ध कराते तो उसके आगे किस तरह का कोरा एक्शन होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने गंभीर आरोप जो हैं वो एक दूसरी पार्टी के ऊपर लगाए हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के ऊपर शिकायत आती है, बीजेपी के नेता शिकायत करते हैं पूरे मामले की जांच कराएं। मौका है आपके पास, अगर आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं तो आप सबूत पेश कीजिए ना। जावेद, कि आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? अरविंद केजरीवाल भी नोटिस नहीं लेते हैं, उनके स्टाफ मेंबर्स लेते हैं, आतिशी की तरफ से भी यही अब नोटिस जो है उनके अधिकारी रिसीव करेंगे ये सामने आ रहा है, क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की? देखिए आम आदमी पार्टी का रुख इस पर कल जाना, कल तमाम नेताओं के ट्वीट्स और उनके बयान भी सामने, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो बीजेपी है वो पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, उनका मकसद पुलिस का इस्तेमाल करके पूरा एक ड्रामा क्रिएट करना, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन अब इसमें पुलिस कानूनी तौर पर आगे बढ़ रही है, बीजेपी ने बाकायदा इसके लिए एक शिकायत दी थी कि जो आरोप आम आदमी पार्टी और आतिशी ने लगाए हैं कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है 25-25 करोड़ में, 7 विधायकों की ये बात कही गई थी, तो अब औपचारिक शिकायत जो है वो बीजेपी की तरफ से दर्ज कराई गई और उसके बाद अब इसमें क्राइम ब्रांच कानूनी रूप से आगे बढ़ रही है। नोटिस देने की बात जो सामने आ रही है, कल हमने देखा कि कल जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर हुआ उससे एक दिन पहले भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, कल उनके ऑफिस को अंततः नोटिस रिसीव कराना पड़ा, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम इस बात पर अड़ी रही कि वो मुख्यमंत्री को ही देना चाहेंगे। लेकिन आज क्या स्थिति बनती है ये देखना होगा, क्योंकि आतिशी अभी यहाँ पर है नहीं ऐसा बताया जा रहा है, क्राइम ब्रांच की टीम अंदर मौजूद है, क्या क्राइम ब्रांच की टीम कल की तरह उनके ऑफिस के स्टाफ को दे देगी या फिर बिल्कुल जावेद और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर आज जो है क्या कुछ होता है, क्योंकि कल 5 घंटे का ड्रामा जो है वो हमने देखा अरविंद केजरीवाल के घर पर,
लगातार हमारे जो सहयोगी है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए जो तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो आतिशी के घर पर मौजूद है, नोटिस देने पहुंची आतिशी को। लेकिन आतिशी ने अपने सूत्रों के हिसाब से कि देखिए आतिशी ने अपनी टीम को यह कहा कि आप नोटिस रिसीव कर लीजिए। आनंद लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए। आनंद, एक और सवाल का जवाब यहां पर दीजिएगा, क्योंकि उस तारीख की बात की जा रही है, अरविंद केजरीवाल ने तो नोटिस रिसीव कर लिया है, क्या कोई तारीख निर्धारित की गई है कि अरविंद केजरीवाल को जो है अब इस नोटिस का जवाब इस तारीख तक देना होगा? देखिए अनुपमा, एक जानकारी क्राइम ब्रांच की तरफ से निकल के सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि अभी जो आतिशी के ओएसडी हैं वो इस सरकारी आवास पर नहीं पहुंचे हैं। जैसे ही ओएसडी पहुंच जाएंगे, पहले कोशिश ये रहेगी क्राइम ब्रांच की कि ओएसडी से कहें कि आतिशी से मिलवाइए और हमें उन्हें नोटिस देना है। अगर ओएसडी उसके लिए राजी नहीं होते हैं तो फिर कयास से लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम जो है कुछ देर इंतजार करेगी कि आतिशी उनसे मिले और वो खुद आतिशी को नोटिस दे। अगर आतिशी वो नोटिस नहीं लेती है तो फिर ओएसडी को नोटिस रिसीव कराया जाएगा और उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहां से रवानगी लेगी। इस नोटिस में इस बात का जिक्र किया जाएगा कि 3 दिन के अंदर आतिशी जो है वो जो सवाल पूछे गए हैं क्राइम ब्रांच ने, उनके जवाब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दे, ताकि जांच में सहयोग जो है वो मुख्यमंत्री और आतिशी करें और जो आरोप लगाए गए उनकी गंभीरता कितनी है उसकी जांच जो है वो सही। क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी